नमस्कार, आई एम एस डी पांडे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अलॉन्ग विद माय टू फ्रेंड्स उमेश मिश्रा एंड शंभू सिंह जी हैज डिजाइन टू डिमॉन्स्ट्रेट द इलुस्ट्रेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस चीज़ को हमारे मित्र जो है इसकी एक्टिविटी करके हिंदी वर्सन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। मैं उमेश मिश्रा अरुणाचल प्रदेश से इस सर्वसमिका का सत्यापन प्रदर्शन विधि से करना चाहूँगा। यह बीजगणित की मूल सर्वसमिका है जो हमको बहुत स्थानों पर गणित के अध्ययन अध्यापन में सहायता प्रदान करती है। अ धन ब का वर्ग बराबर अ वर्ग धन ब वर्ग धन दो अब का प्रदर्शन गत्ते के द्वारा हम करना चाहेंगे। अक्सर इस तरह की सर्वसमिकाओं का ज्ञान बच्चे रट करके प्राप्त करते हैं और सही अर्थों में उनका बोध विकसित नहीं कर पाते। इस तरह की सर्वसमिकाओं का बोध यदि प्रदर्शन विधि या खेल विधि से या क्रिया विधि से कराया जाए तो बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इन सर्वसमिकाओं के समझने में सहायक भी होगा। अ धन ब का वर्ग बराबर अ वर्ग धन ब वर्ग धन दो अब का सत्यापन करने के लिए मैं एक वर्गाकार गत्ता लूँगा। वर्गाकार गत्ता किसी भी आकार का लिया जा सकता है। इस वर्गाकार गत्ते से मान लीजिए हमने अ के बराबर अ माप का एक दूसरा वर्गाकार माप आकार अलग कर दिया। अ माप के वर्गाकार गत्ते को अलग करने से हमको ब आकार या ब माप का भाग इस वर्गाकार गत्ते में शेष रह जाएगा। इस ब को भी हम अलग करें तो हमको इस तरह से दो आयताकार गत्ते और एक वर्गाकार ब आकार का वर्गाकार गत्ता मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये जिस वर्गाकार गत्ते को हमने अ धन ब भागों में बांटा था उसका कुल क्षेत्रफल अ धन ब गुणे अ धन ब अर्थात अ धन ब का वर्ग होगा। इसी प्रकार इस वर्गाकार गत्ते से अलग किए हुए गत्तों का क्षेत्रफल देखा जाए तो पहले बड़े हिस्से का क्षेत्रफल अ स्क्वायर होगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ब स्क्वायर होगा और दो जो आयताकार भाग हमें प्राप्त हुए हैं उनका कुल क्षेत्रफल दो अब होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अ स्क्वायर धन ब स्क्वायर धन दो अब का योग इस वर्गाकार गत्ते के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अ धन ब का वर्ग बराबर अ वर्ग धन ब वर्ग धन दो अब। इस तरह से क्रिया विधि से करने से बच्चों के मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा और बच्चे उस सर्वसमिका का अध्ययन सही तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा हमारे मित्र मिश्रा जी ने इसको कार्यविधि से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इसी चीज़ को हमारे सिंह जी इसको इसकी व्याख्या जो है चार्ट के द्वारा करेंगे। सिंह जी। धन्यवाद। मैं शंभू सिंह अरुणाचल प्रदेश से इस बीजीय समीकरण अ प्लस ब का वर्ग बराबर होता है अ वर्ग धन ब वर्ग धन दो अ ब इसका व्याख्या चित्रण मैं चार्ट द्वारा प्रस्तुत
करने का कोशिश कर रहा हूँ। कथन है, दो राशियों के योग का वर्ग बराबर होता है पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दो गुना पहली राशि गुना दूसरी राशि। मैं हम लोगों ने एक वर्गाकार आकृति लिया यहाँ, इसमें से अ भुजा वाले एक वर्ग को हमने काट कर अलग कर लिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस वर्गाकार आकृति में से अब एक ब भुजा वाले एक वर्ग बचते हैं और दो अ ब भुजा वाले आयत बचते हैं। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो इस वर्गाकार आकृति के कुल क्षेत्रफल इस ब भुजा वाले वर्ग और अ भुजा वाले वर्ग के और अ ब भुजा वाले दो आयत के बराबर होते हैं। इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि अ धन ब का वर्ग अ वर्ग धन ब वर्ग और धन दो अ ब होता है। इस तरह सिद्ध होता है अ धन ब का वर्ग अ वर्ग धन ब वर्ग धन दो अ ब के बराबर होता है। धन्यवाद।